तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि सोफ़ा कैसे बनता है 3DS Max में। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि हम लोग कुछ भी ब्लॉग्स डाल देते हैं सोफ़ा का, तो आज मैं आपको बनाना सिखाता हूँ सोफ़ा को कैसे बनाते हैं, मॉडलिंग करते हैं 3DS Max में। एंड इस ट्यूटोरियल में दोस्तों मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे चीज़ को मैं कवर कर सकूँ, तो मैं इसमें थोड़ा डिटेल में काम करूँगा। तो जहाँ भी प्रॉब्लम होगा वो आप कमेंट में पूछ सकते हो या फिर हमारा जो ऑनलाइन क्लास होता है आप उसमें आके ज्वाइन कर सकते हो। तो इसका सारा इन्फॉर्मेशन ये कि मुझे आप व्हाट्सएप नंबर पर फ़ोन कर लोगे, डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले मैं एक बॉक्स लिया एंड इसके बाद हम लोग इसका साइज लेते हैं, इस तरीके से फिर हम लोग काम करेंगे पॉलीगन में। आप चाहे तो सेगमेंट से कर लो, लेकिन मैं इसको अलग दिखाना चाहता हूँ अलग ट्रिक। तो कनेक्ट करके इसको एक पार्ट को मैं ग्रिड कर दूँगा, और वो किस ग्रिड ये है कि हम लोग कॉपी करेंगे इस पार्ट को, ताकि एक को बनाएंगे तो सारा चीज़ ऑटोमेटिकली वो बन जाएगा। आप इसको बाद में समझ लोगे जब हम फिनिशिंग करेंगे, तो आपको समझ में आएगा इसलिए हम क्यों ब्रेक किए हैं इस बॉक्स को। तो हम लोग इसको कॉपी करते हैं, कॉपी नहीं करेंगे, इसको इंस्टेंस करेंगे ताकि हमारा मेहनत कम लगे और जल्दी से बन जाए। फिर से थ्री सीटर बनाएंगे सोफ़ा। तो हाँ, परफेक्ट जगह हो गया है। तो हम लोग एक बॉक्स में काम करेंगे तो वो तीनों बॉक्स दोनों बॉक्स में हो जाए, हम लोग को मेहनत नहीं करना पड़ेगा ज़्यादा। तो हम लोग ले गए इसमें से सेगमेंट, देखिए सब में आ गया है ऑटोमेटिक। एक में काम करो, सब में चला जाएगा। आप अगर इससे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है तो मेरा यूट्यूब में बहुत सारे वीडियो लिंक करते हैं, उसके बारे में आप वहाँ से कुछ समझ सकते हो, चेक कर सकते हो, नहीं तो फिर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा लिंक, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। हाँ, तो सेगमेंट डालने से क्या होगा कि हमारा काम बहुत स्मूथली बनेगा, इसमें उसमें बहुत सारी चीज़ करेंगे टर्बो स्मूथ ये सब। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे टर्बो स्मूथ इस तरीके से, देखो सब में हो गया। इसके बाद इसी बॉक्स को हम लोग रोटेट करेंगे इससे, शिफ्ट दबाते ताकि कॉपी एंड रोटेट बोथ हो सके। हम लोग एक साथ ही कर लेते हैं, हम लोग इतने मेहनत नहीं करेंगे। इसको हम लोग पूरा ले लेंगे एंड इसको इस तरीके से मैचिंग कर लेंगे। इसके बाद हम लोग इसका सिटर बनाएंगे, तो जैसे नीचे का पार्ट हो गया है एंड इसकी को हम लोग थोड़ा सा स्केल कर लेंगे ताकि थोड़ा पतला हो जाए, एंड इसी को हम लोग फिर कॉपी करेंगे। इसमें एक टूल सिखाते हैं, उसका नाम है FFD, फ्री फ्रॉम डिफॉर्मेशन। यूज कर लेते हैं FFD 3, इससे आप क्वेश्चन का शब्द दे सकते हो, थोड़ा सा फ्लटर रहेगा। तो इसको हम लोग बीच का पकड़ के मिड पॉइंट को ऐसे हम लोग उठा सकते हैं, एक रियल के जैसा फील कर सकते हैं। लेकिन एक लेकिन ये सब को भी करना पड़ेगा, तो मैं सबको डिलीट कर देता हूँ क्योंकि हम लोग इसको एक्सपेंस नहीं करते। थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, लगभग बस। अब हम लोग इसको
कर देते हैं, कॉपी करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है बस। तो ये देखो एकदम रियल में एक लग रहा है, फील हो रहा है। और दोस्तों ये कुछ ज़्यादा ही मोटा हो गया, इसमें भी हम लोग स्केल कर देते हैं बस। इसका फिर हैंड रेस्ट बनाए तो इसको ही हम ले लेते हैं, शॉर्टकट में सारा काम कर लेते हैं। कॉपी पेस्ट, कॉपी पेस्ट, ये गैप को हम कैसे फिल करेंगे ये भी आपको दिखाते हैं नया टूल से। तो हमारा जो एम था कि ज़्यादा करके आप लोग को फुल रिकवरी का कवर कर सके, तो वही हो जाएगा कन्वर्ट टू पॉलीगन। इसमें मिलेंगे बॉर्डर एंड राइट क्लिक करके कैप, ये देखो इसको हम लोग रिजिट कर लेते हैं इस हाँ करके इस तरीके से वन टू में, क्योंकि पीछे की तरफ सेगमेंट नहीं है, पीछे में रहता है उड़न, तो हम लोग का काम को ले आए। उसके बाद हम लोग इसको स्केल करेंगे, क्योंकि थोड़ा हैंडल्स नीचे की तरफ रहना चाहिए। और हम लोग इसमें भी एक और चीज़, हम लोग इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं ये वर्टेक्स पकड़ के, वर्टेक्स नहीं तो इसमें देखिए हज़ार टूल्स, आप कोई भी टूल्स यूज़ करोगे जो इजी लगे। एंड इसमें एफ एफ डी का हेल्प ले लेते हैं थोड़ा सा और बेटर करने के लिए। एंड इसको हम लोग थोड़ा सा बीच तरफ, ताकि हैंड रेस्ट जो है वो ज़्यादा कन्वीनियंट हो। ये देखिए परफेक्ट हो गया। एंड उसके बाद फिर इसको हम लोग कॉपी करके इस तरह, एंड थोड़ा इसको हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं। ये देखिए थोड़ा गैप है, हम लोग जितना डिटेल में काम करेंगे दोस्तों उतना हम लोग के लिए अच्छा रहेगा। डिटेल में जितने के लिए आपको जूम का हेल्प लेना पड़ेगा, बताएगा आप जूम करो, एक एक चीज को बताएगा एकदम डिटेल में काम करेगा। तो देखो दोस्तों इतना इजी स्टेप से पूरा सोफा बन गया हमारे सामने। तो इसमें जल्दी से डाल लेते हैं मटेरियल, और हैंड मेसी का एक भीरे एक और पार्ट दिखाऊंगा जो है भीरे का, क्योंकि आज जितना हम वीडियो दिखा रहे हैं बेसिकली एक ऑब्जेक्ट लेके बना देते हैं, लेकिन हम लोग उसका वीडियो नहीं करते। तो मैं सोफा का वीडियो भी दिखाऊंगा किस तरीके से इसमें कॉटन का फील हो, रियलिस्टिक लगे एकदम। तो आज मैं दिखाता हूँ सिर्फ मॉडलिंग, एंड एक और वीडियो बनाऊंगा सेम इसी का, यही सोफ़ा रहेगा, सब चीज़ सेम रहेगा, बट उसमें काम करेंगे हम लोग वीडियो में, सारा वीडियो मटेरियल सिखाएंगे एंड वीडियो का डिटेल में काम करेंगे। तो एक सिंपल सा ले लेते हैं स्टैंडर्ड मटेरियल, तो इसमें से ले लेते हैं वाइट, ऊपर में कोई और कलर ले लेते हैं, उसके कौन सा कलर है सेगमेंट को ऑफ कर लेते हैं, पहले सेगमेंट में आएगा। आपको भी दे सकते हो जरूरी नहीं कि मेरा चॉइस का आप लोग दो, आप लोग चाहो तो इस नीचे का बेस को डिलीट करके बॉक्स का मीन्स वुडन का भी ले सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
जैसा सेम जैसा आउटपुट आए वैसे वही अच्छा है। टॉप व्यू ही ले लेते हैं। कोई इशू नहीं, ये अगर अच्छा नहीं तो फिर वेट कर देते हैं। ये देखिए एक सिंपल सा सोफा दिखाए हैं विदाउट वीरे, तो नेक्स्ट वीडियो में इसका हम वीरे करेंगे, एक रियल सा सीन बनाएंगे। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं ना दोस्तों, कि हम लोग ये क्या बोलते हैं मॉडलिंग का जितना भी सोफ़ा का मॉडलिंग आता है मैं उसको मैं सबको ही चाह रहा एक बार में चेक करा लेते हैं कि आप सोफ़ा कराए तो ऊपर यू शेप एल शेप जितना भी सोफ़ा है अलग डिज़ाइन का, तो हम उसी सोफ़ा को ये काम नहीं करेंगे जितना भी है सोफ़ा दिखा रहे थे एक बार में। तो थैंक यू सो मच दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, अगर आपको अच्छा लगा ये वीडियो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर एंड जो न्यू व्यूअर है जो फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए।